पूर्व क्रिकेटर गौतम का गंभीर फैसला, अब राजनीति की पिच पर नहीं करेंगे बैटिंग। आईपीएल 2024 में शाहरुख की टीम को बनाएंगे चैंपियन, राजनीति से संन्यास लेकर क्रिकेट पर देंगे ध्यान। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर अब राजनीति नहीं करेंगे। 42 साल के गंभीर अब क्रिकेट पर ही फोकस करना चाहते हैं और वो आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। गंभीर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। गंभीर फिलहाल पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा सांसद हैं। गौतम गंभीर ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली सीट से धांसू जीत दर्ज की थी। गौतम गंभीर ने अरविंदर सिंह लवली को करीब 3,91,000 मतों से हराया था। गंभीर को उस चुनाव में 7,00,000 के करीब वोट मिले थे। उस जीत के बाद ऐसा लग रहा था कि गंभीर राजनीति की पिच पर लंबी पारी खेलने वाले हैं, लेकिन लगभग 5 सालों में ही उनका राजनीति से मोह भंग हो गया। आपको बता दें कि आईपीएल का आगामी सीजन 22 मार्च से शुरू होने वाला है। आईपीएल 2024 में गंभीर शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर का रोल निभाने जा रहे हैं। गंभीर को नवंबर 2023 में केकेआर का मेंटर नियुक्त किया गया था। केकेआर गंभीर की कप्तानी में ही साल 2014 और साल 2016 में आईपीएल में चैंपियन बनी थी। अब गंभीर बतौर मेंटर एक बार फिर केकेआर को चैंपियन बनाना चाहेंगे। आईपीएल की समाप्ति के बाद गंभीर फिर से क्रिकेट की कमेंट्री करते हुए दिख सकते हैं। गंभीर ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुरोध किया है कि मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त किया जाए ताकि मैं अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर दिया। जय हिंद। आपको बता दें कि गौतम गंभीर ने 22 मार्च 2019 को बीजेपी की सदस्यता ली थी, फिर बीजेपी ने उन्हें पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट बनाया था। गौतम गंभीर कई बार ट्वीट के जरिए आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस पर निशाना साधते रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो पॉलिटिक्स में लंबे वक्त तक रहेंगे, लेकिन अब उन्होंने अचानक इससे तौबा कर लिया है। वैसे गौतम गंभीर सांसद रहने के बावजूद अपने क्रिकेटिंग असाइनमेंट्स के लिए पूरी तरह कटिबद्ध रहते थे। उन्होंने आईपीएल में 2 सालों तक लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर का रोल निभाया, साथ ही वो कमेंट्री करते हुए दिख जाते थे। गौतम गंभीर पर अक्सर इस बात को लेकर निशाना साधा जाता था कि वह सांसद होने के बाद भी आईपीएल या कमेंट्री कर पैसा कमाते हैं। इस पर गौतम का कहना था कि वह जन रसोई अभियान चलाते हैं, वह उनका निजी खर्चा है, उसमें वो बतौर सांसद मिलने वाला फंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे में अगर इसके लिए पैसा खर्चा करना है तो उसके लिए उन्हें काम भी करना पड़ेगा। गौतम गंभीर ने एक बार कहा था, 1 महीने में 5,000 लोगों को खाना खिलाने के लिए 25,00,000 रुपए लगते हैं, साल के 2,75,00,000 रुपए हो गए। 25,00,000 रुपए लगे हैं मुझे लाइब्रेरी बनाने में, ये एमपीलैड फंड से नहीं बने। एमपीलैड फंड से 5,000 लोगों के लिए जन रसोई नहीं चल रही है। इन लोगों को खिलाने के लिए और लाइब्रेरी बनाने के लिए काम करना पड़ता है। मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहने में कि हाँ, मैं कमेंट्री करता हूँ या आईपीएल में काम करता हूँ, पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद भी है। आपको बता दें कि गौतम गंभीर ने 4 दिसंबर 2018 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इसके कुछ महीने बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। गंभीर ने भारत की ओर से अपना आखिरी टेस्ट मैच 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में खेला था। गंभीर ने 58 टेस्ट मैचों में लगभग 42 की औसत से 4,154 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक शामिल है। गंभीर ने 147 ओडीआई मैच भी खेली है, जिनमें 40 की औसत से 5,238 रन बनाए हैं। इसके अलावा 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में खेली गई 97 रनों की यादगार पारी भी शामिल है, जिसकी बदौलत भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था। वनडे में उन्होंने 11 शतकीय पारियां भी खेली हैं। गंभीर ने T20 इंटरनेशनल मैचों में भी अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने 37 मैचों में 7 अर्धशतक की मदद से 932 रन बनाए हैं, जिनमें उनका औसत लगभग 27 का रहा।